लेकर आए हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ बेहद खास मशीनों की जानकारी लेकर, जो वो शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखेगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। स्टेन वेंडर, यह गजब की मशीन दरअसल भूसे को पैक करने का काम करती है। सूखी फसल को क्रेशर के द्वारा अलग करने के बाद काफी अधिक मात्रा में भूसा निकलता है, जो कि पशुओं के लिए काफी पौष्टिक आहार होता है खाने के लिए। मगर इस भूसे के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इसे एक ढेर के रूप में रखना पड़ता है। भूसे की एक निश्चित मात्रा लेकर उसे इस मशीन के गोल सांचे में डाला जाता है, जिसके बाद इस मशीन में लगी प्लास्टिक की लंबी चादर नुमा परत को इस पर लिपटा दिया जाता है। उसके पश्चात बाहर निकालने पर पुनः इसे प्लास्टिक की चादर से और अधिक अच्छे से पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद भूसे का यह बंडल एक बेलनुमा आकार ले लेता है, जिसे मशीन के माध्यम से उठाना काफी सरल हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भूसे के ढेर को ट्रक में भरकर ले जाने की तुलना में इस प्रकार की मशीन की मदद से भूसे को प्लास्टिक की परत चढ़ाकर उसे बंडल बनाकर ले जाना कितना सरल हो जाता है। साथ ही साथ यह भूसे को खुले में पड़े रहने की अपेक्षा इस प्रकार लपेट कर रखने से पानी इत्यादि के गिरने पर खराब भी नहीं होता। फिर फूल गोभी सब्जियों में पूरे विश्व में काफी लोग खाना पसंद करते हैं, जिसे यहाँ इस खेत में इस विशेष मशीन के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। इस मशीन के साथ एक कन्वेयर बेल्ट भी लगी होती है, जहाँ किसान निरंतर फूल गोभी को तोड़ तोड़ कर इस कन्वेयर बेल्ट पर लगे कटोरे नुमा सांचे में रखते जाते हैं, जो कि मुख्य मशीन में निरंतर पहुंचाई जाती रहती है, जहां लगी मशीन इन फूल गोभी को काट कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। यह मशीन फूल गोभी को एक समान टुकड़ों में ही काटती है, जिसे बाद में इन्हें पैक करके बाजार में बेचा जाता है। यह अकेली मशीन अनेकों काम एक ही बार में निपटाकर किसानों का काफी समय भी बचाती है। मेकामार्क, यह विशेष स्प्रे मशीन दरअसल भेड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस विशेष मशीन के माध्यम से भेड़ों को जांचते वक्त उन्हें अन्य भेड़ों से अलग रखने में सहायता होती है। ज्यादातर भेड़े दिखने में एक जैसी ही होती हैं, तो इस मशीन के माध्यम से उनकी पीठ पर स्प्रे करके उन पर निशान लगाया जाता है और आवश्यकता अनुसार भेड़ों को अलग अलग रखने के लिए उनकी पहचान रखने में सहायक होता है। इस मशीन में डाला गया पदार्थ हानिकारक नहीं होता, जिससे कि किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे भेड़ों की त्वचा पर। रूट AI, किसने सोचा था कि भविष्य में पेड़ से फल तोड़ने के लिए इतनी आधुनिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बेहद क्रांतिकारी मशीन दरअसल एक प्रकार का रोबोट है, जिसमें लगा AI सिस्टम इतना जबरदस्त है कि वह फलों को उनके रंगों के हिसाब से उनके पके या फिर कच्चे होने का पता लगाकर केवल पके फलों को तोड़ने में काफी ज्यादा माहिर है, और फल तोड़ने का तरीका भी ऐसा कि पौधे पर लगी डाल अथवा अन्य फल को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। यह रोबोट छोटे से छोटे और जटिल तरीके से डाली पर लगे फलों को तोड़ने में भी काफी सक्षम है। यही नहीं, यह रात के समय में भी अपने AI की मदद से पके और कच्चे फलों की पहचान करके उन्हें तोड़ने में माहिर है। वोपा, अक्सर भेड़े स्वभाव में काफी चंचल होती हैं, जिसके कारण उन्हें नियंत्रण में रखना काफी मुश्किल होता है, मगर इस खास प्रकार के ढांचे की मदद से भेड़ों को नियंत्रण में रखना काफी सरल हो जाता है। इस कमाल के उपकरण को इस्तेमाल में लाने से पहले भेड़ को संकरे रास्ते से गुजार कर उन्हें मुख्य सांचे में फिट कर दिया जाता है। फिर किसान इस सांचे को 180 डिग्री के कोण में घुमा देते हैं, जिससे भेड़ पलट जाती है, जिसके बाद उनके खुरों को साफ करना या फिर उन्हें दवाई पिलाना काफी आसान हो जाता है। इस प्रकार के सांचे के द्वारा भेड़ों को पलटने में उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, और भेड़ों की जांच कर लेने के बाद सकुशल उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। डेलेवल, दूध व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी भरा काम होता है गाय भैंसों के तबेले से पशुओं के मल को साफ करना, क्योंकि इसमें दुर्गंध तो काफी अधिक आती ही है, साथ ही साथ मल की यह मात्रा भी काफी अधिक होती है। यह कमाल की मशीन निरंतर तबेले में धीरे धीरे चलकर पूरे मल को धकेल के साफ करने में काफी माहिर है।
इस मशीन के निरंतर इस्तेमाल होने से तबेला साफ सुथरा रहता है, जो कि किसानों के लिए अच्छा तो है ही, साथ ही साथ पशुओं को भी आरामदायक लगता है साफ सुथरे वातावरण में रहना। उपा हूफ ट्रीटमेंट। अक्सर काफी मशीनें आविष्कार हो चुकी हैं जिनके द्वारा पशुओं के खुरों को साफ किया जाता है। यह लोहे के ढांचे से बना पारंपरिक उपकरण काफी सहायक है किसानों और पशुओं दोनों के लिए। इसे इस्तेमाल में लाने के लिए पशुओं को इस ढांचे के अंदर घुसा दिया जाता है। ढांचे में पशु को फिट करने के बाद पीछे लगे एक क्लिप को पशु के पैर में फिट कर दिया जाता है और पुली को निरंतर गोल गोल घुमाने से पशु का पैर ऊपर उठ जाता है, जिसके बाद किसान बड़ी सरलता से उसके खुर को साफ कर लेते हैं। यह ढांचा इतना सरल होता है कि इससे पशुओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। और जब पूरी सफाई कर ली जाती है तो पशु को बड़ी ही सरलता से बाहर निकाल लिया जाता है। DJI एग्रीकल्चर ड्रोन। अभी तक काफी ड्रोनों का आविष्कार किया जा चुका है, जिसमें से किसानों को फायदा पहुंचाने वाले ड्रोन काफी अधिक लाभकारी हैं। अक्सर खेतों में फसल के अच्छे से उगने के बाद किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है उसे कीटों से बचाना। इसके लिए खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, मगर कीटनाशकों के छिड़काव का पारंपरिक तरीका काफी ज्यादा परिश्रम से भरा और बड़ा लंबा समय लेने वाला होता है। उसी समस्या का समाधान करता है यह एग्रीकल्चर ड्रोन। इस ड्रोन के नीचे आप कीटनाशक का घोल एक कंटेनर में डाल सकते हैं, जिसके बाद इसे रिमोट की मदद से पूरे खेतों में छिड़कना काफी आसान हो जाता है। यही नहीं, आप इस ड्रोन को खेत के आकार अनुसार कमांड भी दे सकते हैं, जिसके बाद यह ड्रोन बिना किसी संचालक के पूरे खेत पर छिड़काव करने के बाद आपको सूचित कर देता है। इस प्रकार के क्रांतिकारी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कृषि जगत से जुड़े लोगों के व्यवसाय को भी और अधिक फायदेमंद बनाने में सहायक साबित हो रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।